में आपका स्वागत है। मैं आज आपको श्रीखंड की रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसमें मैं एक आधा किलो ये चक्कर लूंगी मट्ठा, जिसको मट्ठा भी बोलते हैं, और ये आधा किलो जितना मट्ठा होगा उतनी शक्कर, पिसी हुई शक्कर लेंगे, और ये इलायची पाउडर और ये केसर भी डाल लेंगे। इन सबको मिक्स शक्कर इसमें डाल देंगे, मट्ठे में शक्कर पहले मिक्स कर देंगे, फिर इसको अच्छी तरह से एक बर्तन में मखमल के कपड़ा लगा के फेंट लेंगे अच्छी तरह से, जिससे अपना श्रीखंड बहुत सॉफ्टी बनेगा बिल्कुल बाजार जैसा। और उसके बाद हम इलायची पाउडर और ये केसर के दाने मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमने इसमें शक्कर अच्छी तरह से मिक्स कर दी है, जितना मट्ठा है उतनी हमने शक्कर इसमें पीस के डाली है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, उसमें हम इलायची पाउडर और ये केसर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, इसके ऊपर एक मखमल का पतला कपड़ा लगाया है जिसमें हमने मट्ठा बांधा था, फिर इसके ऊपर लेके हम इसको अच्छे से मिक्स करके इससे फेंट लेंगे, ताकि अपना ये श्रीखंड बहुत सॉफ्टी बनेगा और खाने में टेस्टी लगेगा। हम थोड़ा थोड़ा लेके इसको फेंटते जाएंगे, शक्कर भी पीस जाए इसमें मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह से, और अपने श्रीखंड तैयार हो जाएगा। इस तरह से इस कपड़े में हमने अपना पूरा श्रीखंड अच्छी तरह से छान लिया, अपना ये सॉफ्टी श्रीखंड। अब इस तरह से तैयार है। इसमें अपन सर्व करने से पहले इसमें बादाम, कतरन, काजू अपने स्वादानुसार पर सर्व करते समय डाल सकते हैं। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं।